हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथ्स पढ़ रहे थे, और मैथ्स अभी हम लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए, अब इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग जरा देख लेते हैं क्या सीखा था हम लोगों ने। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा कुछ जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो समलंब चतुर्भुज के लिए क्षेत्रफल क्या होता है, थोड़ा सा इसको सीख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इनको। मान लेते हैं मैंने कहा कि यह एक समलंब चतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी सी डी। और अगर आपको इसका क्या निकालना है बच्चों, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करते थे आप? मान लेते हैं यह वाली भुजा ए सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा सी सेंटीमीटर है, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, ऐसे। अब इनके बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं एच। इन दोनों ही समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया? एच मान लिया। तो क्षेत्रफल का मान कितना आता था? तो क्षेत्रफल का मान आता था ए प्लस सी बाई टू इंटू एच। बताइए बच्चों, इतना आपको समझ में आया? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। गुड, चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने ये सीखा था। फिर हम लोगों ने क्या सीखा था? तो हम लोगों ने जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल को निकालना सीखा था। मान लेते हैं इस प्रकार से एक जटिल आकृति बनी हुई है, ठीक है, समझना। मान लेते हैं इस प्रकार से एक जटिल आकृति बनी हुई है, तो अब इसको दो या दो से अधिक भागों में तोड़ देते थे। ठीक है बच्चों, इसको दो या दो से अधिक भागों में क्या कर देते थे? तोड़ देते थे। और तोड़ने के पश्चात हम लोग इसका क्या निकालते थे? क्षेत्रफल निकालते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जटिल आकृतियों का भी क्षेत्रफल निकाल लेते थे। बताइए, इतना समझ में आया या नहीं आया? इतना समझ में आया? ठीक है बच्चों, सारे बच्चों को क्लियर हुआ? गुड। चलो, अब आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, इसको हल करो, और हल करने के बाद इसका उत्तर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से इसको पहले सॉल्व करिए, तब इसका उत्तर करिएगा आराम से, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है बेटा।
चलिए सारे बच्चे अब इसका उत्तर करिए चैट बॉक्स में। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे अब चैट बॉक्स में। सर चैट ऑन कर दो। ऑन है बेटा, देखो बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। थोड़ा सा ये टफ सवाल है, बट अगर आप अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। बट वही है ना, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। चलो बच्चों अब इसका हल देखते हैं, ठीक है। देखिए आपसे क्या बोला गया है कि दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी आपको इस वाली आकृति का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो पहली बात तो इसको आप सरलतम आकृति में बांट दीजिए। चलिए यहां से एक लाइन आप बना दीजिए ऐसे, और इसी प्रकार से नीचे भी एक लाइन इस प्रकार से बना दीजिए ऐसे। तो आप देखेंगे कि यह पूरी की पूरी आकृति तीन भागों में बट गई है। अगर मैं इसको बढ़ा के ऐसे लिख देता हूं, देखना बेटा, इस प्रकार से जो पूरा रेड वाला पार्ट है, देखो एक आकृति ये हो गई। बताओ इतना आपको समझ में आया, एक आकृति ये बड़ी वाली और दो छोटी आकृतियां हैं। देखो ये दूसरी आकृति और ये तीसरी आकृति। बताओ बेटा इतना समझ में आया या नहीं आया। तो यहां पे हम लोगों ने इस वाली आकृति को तीन भागों में बांट लिया। अब आप देखोगे, ठीक है समझना मेरी बात को, अब आप देखोगे कि पहले इतना सिर्फ ये वाला पार्ट 1 सेंटीमीटर था जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया। तो अगर वह 1 सेंटीमीटर है बेटा तो ये भी तो 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है 1 सेंटीमीटर। और ये पूरा का पूरा 4 सेंटीमीटर, देखो ये इतना 4 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये, इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी कि इस सबको इरेज करके हम लोग एक लाइन बना सकते हैं ऐसे, यहां से लेकर के यहां तक, और बोल सकते हैं कि हाँ इसका मान है 6 सेंटीमीटर। बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया, पहले बताइए इतना समझ में आया। ठीक है इतना समझ में आ गया ना, गुड बहुत ही बढ़िया। तो अगर इतना समझ में आ गया तो देखना, अगर ऊपर 6 सेंटीमीटर है तो नीचे भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है बच्चों, 6 सेंटीमीटर ही होगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पे 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए बड़े आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है बच्चों, 6 है, चौड़ाई कितनी है, 5 है। तो 6 गुणा 5 कितना होता है, 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपका ये वाला जो भाग है इतना सिर्फ, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आया, 30 सेंटीमीटर। सर मेरे में आवाज नहीं आ रही आपकी। बाकी बच्चे बताइए कि क्या मेरी आवाज आपको आ रही है। यस सर ओके ठीक है, तो दीपक नाम से यस जो, सर दीपक नाम से जो बच्चा है वो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है चीजें ठीक हो जाएंगी। चलो तो आपने देखा कि इस बड़े वाले भाग का हमने क्षेत्रफल निकाल दिया, ठीक है बच्चों अब समझना।
अब ये काम खत्म नहीं हुआ हम लोगों का, ठीक है बच्चों, समझना मेरी बात को, अभी ये काम खत्म नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग निकालेंगे इन छोटे छोटे भागों का क्षेत्रफल, जो मैं येलो कलर से बना रहा हूं, देखना येलो कलर से मैं बना रहा हूं, इस वाले भाग का क्षेत्रफल और इस वाले भाग का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि बीच वाली आकृति का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं। अब बताओ इस छोटे वाले भाग का जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई है बच्चों, वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसलिए, ठीक है बच्चों, इसलिए छोटे आयत का क्षेत्रफल बराबर, फिर से वही वाला सूत्र, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान रख दीजिए जो कि कितना है? 4 है। चौड़ाई का मान रख दीजिए वो भी कितना है? 2 है। तो 4 गुणा 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस वाले छोटे वाले आयत का 8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग नीचे भी बोल सकते हैं कि नीचे वाले का भी कितना होगा क्षेत्रफल? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और इस बीच वाले का हम लोग क्षेत्रफल निकाल चुके हैं सबसे पहले, ये वाला देखो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ तीनों ही आकृतियों का हम लोग ने क्षेत्रफल निकाल लिया, अगर हाँ तो बता दो वाई, और अगर नहीं तो एन। समझ में आया तब? अगर समझ में आया तब वाई लिखेंगे, नहीं समझ में आया तो एन लिख सकते हैं आप। आ गया ना? तो इसलिए, समझना बच्चों, इसलिए कुल क्षेत्रफल बराबर 8 प्लस 30 प्लस 8 जोड़ने पर कितना आएगा? 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः सही विकल्प कौन सा होगा? तो सही विकल्प बी होगा। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूं। बताइए किन किन बच्चों को ये समझ में आ गया? जिन बच्चों को समझ में आया वो वाई लिखेंगे, और जिनको नहीं आया वो एन लिखेंगे। ठीक है, गुड। चलो बच्चों अब मैं इस चीज को रिवाइज करवा देता हूं। हाँ, जिन बच्चों को ये डाउट था उनको मैं ये रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है? अच्छे से इसको सीखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जिनको भी डाउट है वो अच्छे से सीखने का प्रयास करिएगा। देखो बेटा, यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पे हम तीन आकृतियां बना सकते हैं इस वाली आकृति के थ्रू। देखो पहली आकृति ये है, दूसरी आकृति ये है, और तीसरी आकृति ये है। आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहली वाली आकृति है एकदम बराबर है तीसरी वाली आकृति के, यानी कि पहली वाली आकृति का अगर आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो तीसरी वाली आकृति के क्षेत्रफल के वह क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, बराबर होगा। तो आपको सिर्फ मेहनत करना है किसके किसके लिए? पहली वाली आकृति के क्षेत्रफल के लिए और दूसरी वाली आकृति के क्षेत्रफल के लिए। जो ही आप इतना निकाल लेते हैं आपको इसका उत्तर मिलने लगेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाला। कैसे निकाला? तो उसके लिए मैंने क्या किया, पूरा ये देखो यहां से लेकर के यहां तक मैंने देख लिया कितना लंबा है। तो पता चला इसको हल करने पे कि यह पूरा का पूरा 6 सेंटीमीटर है। कैसे आ रहा है 6 सेंटीमीटर, वो भी देख लो आप लोग। जो बच्चे नहीं समझ पाए अभी तक वे देख लेंगे कि कैसे मैंने इसको 6 सेंटीमीटर लिख दिया। समझिएगा, यहां से लेकर के यहां तक ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां से लेकर के यहां तक 1 सेंटीमीटर है,
और यहां से लेकर के बच्चों देखना, यहां से लेकर के यहां तक 4 सेंटीमीटर है, फिर यहां से लेकर के कितना होगा, 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना आता है, आप लोग खुद बताइए कितना आएगा। 6 सेंटीमीटर। गुड, 6 सेंटीमीटर। तो जो ही आप इन तीनों को जोड़ेंगे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, और अब आपका काम स्टार्ट हो गया क्षेत्रफल निकालने का। कैसे देखना बच्चों, आप इस पूरे को ऐसे मिला देना, इसको पूरे को ऐसे मिला देना और इस पूरे को ऐसे मिला देना, तो अब क्या हो सकता है, अब यहां पे हो सकता है 6 सेंटीमीटर लंबाई, और चौड़ाई पहले ही दे रखी है कितनी, 5। तो 6 गुणा 5, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, 6 गुणा 5 कितना होता है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर मैंने इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाला जिसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे देखो 4 गुणे 2 किया हो, यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो जब ऊपर वाले का 8 है तो नीचे वाले का भी कितना होगा, 8 ही होगा, यानी कि 8 प्लस 30 प्लस 8, यानी कि 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए अब अच्छे से क्लियर हुआ, यस सर। गुड। जिन बच्चों का डाउट था वही बताएंगे अब। ठीक है, तो आपने देखा कि विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ कंग्रुएंट फिगर्स। देखो होता क्या है, सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेंगे कि क्या होती हैं सर्वांगसम चीजें। जैसे मान लो बेटा आपका हाथ है ना, लेफ्ट वाला, सपोज दैट इस प्रकार से मैंने बना दिया, थोड़ा समझना, आर्ट पे मत जाना, बस समझने का प्रयास करना बेटा। मान लो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, और इस प्रकार से मैंने आपका ये राइट हैंड बना दिया, ठीक है, किसी एक बच्चे के लिए है ये राइट। तो बताओ अगर आप इस वाले हाथ पे अगर रखोगे तो एकदम इसके जस्ट बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आप खुद बताओ, वाई या एन में लिख करके बताओ, वाई या एन लिख करके बताइए। अगर आप अपने इन दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ते हैं, इस प्रकार से, तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट बराबर आ जाते हैं, है कि नहीं। यस तो इस प्रकार की आकृतियों को जिसमें बहुत ही, ठीक है, ऐसे समझना, इस प्रकार की आकृतियों के जिसमें कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल वे बराबर होती हैं, बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी, तो इस प्रकार की आकृतियों को बोलते हैं सर्वांगसम आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियां। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कंग्रुएंट फिगर्स। बताइए इतना समझ में आया, यस ठीक है। अब माइक मत ऑन करना, ठीक है, सुमन नाम से जो बच्चा है, अगर आपको आंसर करना है तो चैट सेक्शन में आंसर करना। तो हम लोग ने सीख लिया सर्वांगसम आकृतियों के बारे में, यानी कि एक ऐसी आकृति जो बिल्कुल बराबर हो दूसरी वाली आकृति के, तो वह सर्वांगसम आकृति कहलाती है। मान लेते हैं कि मैंने इस प्रकार से एक त्रिभुज बना दिया ऐसे, और मैंने दोबारा एक त्रिभुज बनाया इस प्रकार से, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा तो समझना मेरी बातों को। और मैंने इनका नाम दे दिया ए बी सी, इसका नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। जया नाम से जो बच्चा है, अरे
जया माइक माइक बंद रखिए। बंद रखिए। मेरा माइक खुला। जया के नाम से जो बच्ची है माइक बंद रखिए। तो मान लेते मैंने कहा कि जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, अब एकदम बराबर है इस राइट वाले त्रिभुज के, PQR के, ठीक है, तब यह कहलाती हैं सर्वांगसम आकृतियां। बताइए बच्चों, आप सभी को अब ये क्लियर हो गया एकदम अच्छे से? कोई भी डाउट है? नहीं है ना? गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपसे ये बोला कि जो भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं उनका क्षेत्रफल सदैव समान होता है, सदैव बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, मान लेते मैंने कहा कि आपसे कि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा, समझना बच्चों, मान लो मैंने कहा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज एबीसी त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है, तो बताइए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोनों ही त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम है, जब सर्वांगसम है तो इनका भी क्षेत्रफल कितना होगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर दो आकृतियां आपस में सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बहुत ही बढ़िया, गुड। देखो यहां पे दो आकृतियां बनी गई हैं, एक मान लेते हैं ये पहली आकृति है, ये मान लेते हैं दूसरी आकृति है। अब ध्यान से समझना कि यह पहले सर्वांगसम है या नहीं है। देखो अगर आप इस पहली वाली आकृति को देखोगे तो इसका आधार कितना सेंटीमीटर लंबा है, आप खुद बताओ चैट बॉक्स में लिख करके, चैट बॉक्स में लिख करके बताओ बेटा कि इसका आधार कितना लंबा है। आधार के बारे में हम बोल रहे हैं, 6 सेंटीमीटर, गुड। तो जिन बच्चों ने 6 बोला है उनका उत्तर सही है। अब बताओ अगर हम PQR वाले त्रिभुज के बारे में बात करें, ठीक है, समझना, तो ये वाली लंबाई कितनी है बताइए, ये वाली लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, गुड गुड। अब इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है बच्चों, जो पहली वाली त्रिभुज है उसकी ऊंचाई कितनी है बताओ, पहले वाले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, गुड, बहुत बढ़िया। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये कितना है? 4 सेंटीमीटर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक, अब एक आकृति के लिए है ना, ये देखो ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर और दूसरी वाली आकृति के लिए ये क्या है, ये भी तो 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब दोनों ही आकृतियां बच्चों, ठीक है समझना, दोनों ही आकृतियां कैसी होंगी? तो सर्वांगसम होंगी, ठीक है, बिल्कुल एक जैसी। तो अगर आप एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो वही क्षेत्रफल इस दूसरे वाले त्रिभुज का होगा या नहीं होगा, वाई या एन लिख करके बताइए। अगर आप एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो दूसरे का एकदम वही क्षेत्रफल होगा या नहीं होगा? होगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि दोनों ही त्रिभुजों का जिन दोनों ही त्रिभुजे हैं यानी कि ABC और PQR, वो आपस में क्या है, सर्वांगसम है, और इसलिए इनके क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां पर पहली वाली आकृति के लिए क्षेत्रफल निकाला गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकाल सकते हैं क्षेत्रफल को, तो आप सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से सूत्र का? देखिएगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना बच्चों, वो होता है 1/2 × आधार यानी कि बेस × हाइट यानी कि ऊंचाई।
इसलिए आधार का मान रख दीजिए 6, ऊंचाई का मान रख दीजिए 4, 4 को 2 से भाग देने पर 2 आएगा, 6 दुनी 12, यानी इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वह कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि मैंने बोल दिया है कि ये वाला जो PQR है इस ABC के सर्वांशम है, तो इस PQR का भी जो क्षेत्रफल आएगा बच्चों कितना आएगा बताइए, कितना आएगा? PQR का क्षेत्रफल कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अब हम लोग का टॉपिक है समान क्षेत्रफल वाली आकृतियां, ठीक है, यानी कि अब हम लोग दो आकृतियां लेंगे जिनके क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तब क्या चीजें उत्पन्न होंगी। जैसे मान लेते हैं कि आपने आयत लिया इस प्रकार से, ठीक है बच्चों, मैंने बोल दिया कि इसका क्षेत्रफल है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपने एक त्रिभुज ले लिया, समझिएगा, आपने एक त्रिभुज ले लिया और इसमें मैंने बोल दिया कि इसका भी क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए इन दोनों ही आकृतियों का जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर है या नहीं है, आप पहले इतना बताइए, क्या इन दोनों ही आकृतियों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है? बराबर है, गुड। अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्या दोनों ही आकृतियां सर्वांगसम है? सर सकरीन नहीं दिख रही, बच्चों क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो जिसको भी अभी को नहीं दिखाई दे रही थी वह क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से सारी चीजें ठीक है बेटा, जिसको भी प्रॉब्लम है वो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो। हाँ, तो मेरा सवाल क्या था, मेरा ये सवाल था कि दोनों ही आकृतियां आपस में बराबर है क्षेत्रफल के मामले में, यानी कि क्षेत्रफल बराबर है दोनों का, तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम होंगी या नहीं होंगी, अगर हाँ तो वाई लिखेंगे और अगर नहीं तो एन लिखेंगे। अब से लिखना स्टार्ट करिए, क्या दोनों आकृतियां सर्वांगसम है? गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चों, तो बच्चों दोनों ही आकृतियां सर्वांगसम नहीं है, ठीक है, सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं है? सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व अंग सम, यानी कि प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए, एकदम उसके जैसा दिखना चाहिए, आपका लेफ्ट वाला हैंड आपके राइट वाले हैंड के एकदम सर्वांगसम है, यानी एकदम उसी के जैसा दिखता है, लेकिन जया क्लास में डिस्टर्ब मत करो जया, अदरवाइज मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, अब अगर हुआ तो क्लास से मैं तुरंत बाहर करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दोनों ही आकृतियां हैं वो सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम होने का मतलब था कि इनकी प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ये दोनों ही आकृतियां सर्वांगसम नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है बच्चों, अगर क्षेत्रफल बराबर है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो दोनों ही आकृतियां सर्वांगसम होंगी, ये कोई आवश्यक बात नहीं है, लेकिन अगर कोई दो आकृतियां सर्वांगसम है तो इसका मतलब उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। बताइए इतना समझ में आया? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। अगर इतना समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे। गुड, यस सर। ठीक है बच्चों, सर दोबारा समझाना एक मिनट। ठीक है, दोबारा ही समझा रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से। मान लेते हैं यहाँ पे एक आकृति है इस प्रकार से, त्रिभुज ABC, और यहाँ पे आकृति है जो कि आयत है,
PQRS। अब इनका और इनका दोनों का क्षेत्रफल निकालिए। पहले वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू आधार, आधार गुना ऊंचाई। इस प्रकार से बताइए आधार का मान कितना है बच्चों? 6 है। ऊंचाई का मान कितना है? 4 है। तो 6 गुना 4 कितना होता है? 24 होता है। और 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे, देखिए 24 हो जाएगा। 24 को 2 से डिवाइड कर देना यानी कि 12 हो जाएगा। यानी इस वाले का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। और फिर इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए जो कि कितना होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये अभी कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो जब दोनों ही आकृतियों को देख रहे हैं, इनका क्षेत्रफल बराबर है, तो आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम हैं? आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कि क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम हैं? तो बताइए क्या उत्तर देंगे? नहीं देंगे ना? गुड। तो यह दोनों आकृतियां सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, सर्वांगसम होने के लिए प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब बिल्कुल वैसा ही फिगर, बिल्कुल वैसा ही फिगर होना चाहिए। ओके गुड, ठीक है। चलो ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी, ठीक है। तो आपने देखा कि ये वाली आकृति इस वाली आकृति की क्या है? सर्वांगसम नहीं है। तो ऐसे देख सकते हैं, सर्वांगसम बना के काट देंगे इसको, तो यानी कि ये सर्वांगसम क्या है? नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको ये मैंने सिखा भी दिया। ठीक, यहाँ पे एक उदाहरण लिया गया है, एक अन्य उदाहरण के नाम से इसको बताया गया है। क्या बताया गया? देखना बेटा, यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है ग्रीन कलर से, और एक ये बना हुआ है ब्लू कलर से, समझ लो। ठीक है, तो इन दोनों का ही क्षेत्रफल निकालो। तो पहले वाले का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, और दूसरे वाले का भी क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ रहा है। तो बताइए क्या ये दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखो एक छोटा त्रिभुज है थोड़ा सा, और ये थोड़ा लंबे में है, इसकी लंबाई अधिक है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के जैसे होंगे? नहीं ना। तो बताइए सर्वांगसम होंगे ये लोग? नहीं होंगे। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड। सारे बच्चे इसको उत्तर सही दे रहे हैं, हाँ सर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग ने देख लिया कि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं है। ये लिखने का तरीका बेटा, ये देखो ये क्या लिखा गया, मैं इसी को सिखा देता हूँ आपको। जैसे कि देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में त्रिभुज लिखा है, कौन सा त्रिभुज? तो ABC। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? वो भी त्रिभुज लिखा है, कौन सा त्रिभुज? तो PQR। इस प्रकार से तो क्या ये दोनों सर्वांगसम है? तो आपने उत्तर दिया नहीं सर, सर्वांगसम नहीं है। तो इस प्रकार से सर्वांगसम का चिन्ह बना करके आप इसको ऐसे काट सकते हैं, और वही चीज यहाँ पे देखो लिखी गई है। अब बताइए क्या यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए बच्चों अब कुछ प्रश्नों को हल करिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि 28वां क्वेश्चन। अब इसका उत्तर देना है आपको पोल सेक्शन में, तो जल्दी से जाइए और इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में, क्योंकि मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया।
सारे बच्चे इसका उत्तर करिए। बेटा आराम से इसको सोचो तब इसका उत्तर करो, ठीक है? आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा, बस इसको मन से करने की कोशिश करिएगा। बाकी बच्चे भी जाइए और इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। ठीक है बच्चों, अब इसका उत्तर कर सकते हैं आप चैट बॉक्स में। ठीक है, चैट बॉक्स में भी अब इसका उत्तर कर सकते हैं आप। चलो बच्चों, अब इसका हल देखते हैं। हाँ अंकित बताइए, कुछ डाउट है? अंकित के नाम से जो भी बच्चा है, नो आपने इसका उत्तर दे दिया। चलो अब इसका हल देखते हैं। क्या लिखा है बेटा? लिखा है कि यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझिएगा इस सवाल को लगाने का क्या ट्रिक है। आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक 70 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक? तो राइट हैंड साइड में अगर 70 डिग्री है तो लेफ्ट हैंड साइड में इसके यहाँ पे भी 70 डिग्री है, यानी कोण एक बराबर हो गया। ठीक है, समझिएगा बेटा, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। फिर भुजा ए सी, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है, भुजा ए सी बराबर है भुजा पी क्यू के, वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और ये एंगल 70 डिग्री। इसी प्रकार से इनके आधार को देख लीजिए, बी सी बराबर है क्यू आर के, कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। तो इन तीनों ही बातों से आप यह बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। बताइए बच्चों, क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे? आप खुद बताइए, चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। होंगे ना? बहुत ही बढ़िया। तो जब दोनों ही आकृतियां आपस में सर्वांगसम होंगी, इसका मतलब क्या होगा? इनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर पहले वाले आकृति का क्षेत्रफल, अगर पहले वाले आकृति का क्षेत्रफल बच्चों 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यह दोनों आपस में सर्वांगसम है, तो दूसरी वाली आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अतः विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। बताइए, समझ में आ गया यह सवाल? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। गुड, जल्दी से उसको नोट कर लो बेटा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया। ओके, नसीब के नाम से जो भी बच्चा है केवल एक बार टाइप करिए, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दूसरा प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। सारे बच्चे जाइए और इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसको हल करने का प्रयास करिए। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, पहले इसको अच्छे से कॉपी में नोट करके सॉल्व करिएगा, तब इसका हल दीजिएगा, तब जाके इसका उत्तर करिएगा। ठीक है, आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है बेटा। सारे बच्चे इसका हल निकालिए और इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। जल्दबाजी की कोई बात नहीं है, इसको हल करने का प्रयास करिए और सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तभी इसका उत्तर आप सही दे पाएंगे बेटा। चलिए, अब मैंने चैट बॉक्स भी ऑन कर दिया है, तो आप इसका उत्तर चैट बॉक्स में दे सकते हैं। हिमांशु मेहरा के नाम से जो बच्चा है, अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका बेटा? हिमांशु मेहरा, साक्षी नाम है आपका। गुड, वेरी नाइस। देखो बेटा,
इस सवाल का उत्तर तो विकल्प ए है, और मैं देख पा रहा हूं कि हिमांशु ने यानी कि साक्षी ने इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया था, बाकी सारे बच्चे गलत उत्तर कर रहे थे। ठीक है, इट मींस साक्षी पढ़ने में बहुत ही अच्छी है। बाकी बच्चे, हम ये नहीं कह रहे कि बाकी बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, लेकिन बाकी बच्चे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए कि इस चीज को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो सही उत्तर तो आएगा 8 सेंटीमीटर, और अब मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे ये सही है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आप अपनी गलतियों को देखिएगा कि आपने गलतियां कहां पे की थी। वेरी नाइस। ठीक है, देखो लिखा है कि यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम है और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज पीक्यूआर का आधार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि क्या पूछा है। तो त्रिभुज पीक्यूआर का आधार पूछा है, यानी कि इस वाली लाइन के बारे में पूछा जा रहा है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्यू आर का मान पूछा जा रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपको सवाल समझ में आया, कि सवाल में पूछा क्या है। पहले ये यस सर, सर, ठीक है, आपको समझ में आ गया सवाल में पूछा क्या है। माइक बंद रखिए। ठीक है, ओके, अब देखना बेटा, बोला है कि दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, और अभी को मैंने सिखाया था आपको कि अगर कोई दो आकृतियां आपस में सर्वांगसम होती हैं तो उनके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहली वाली आकृति का क्षेत्रफल दे रखा है सवाल में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब दूसरी वाली आकृति का जो क्षेत्रफल होगा वह भी कितना होगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुना ऊंचाई, यह वाला आप सूत्र लगा दीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अभी को मैंने बताया कि जब यह 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल इसका, तो ये भी कितना होगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपस में सर्वांगसम है। तो 28 बराबर लिख दीजिए 1/2 × आधार का मान बेटा कितना है, तो वही तो निकालना है हमें, इसके आधार को ही तो निकालना है, यानी कि क्यू आर हमें निकालना है। इंटू ऊंचाई का मान तो दे रखा है सवाल में 7, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब इस 28 को भाग दे देंगे इस 7 से, तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 का गुणा कर देंगे इस 2 से, तो क्यू आर का मान कितना आएगा, 4 × 8 सेंटीमीटर। तो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए। सर बताइए सारे बच्चों को अभी समझ में आया या नहीं आया, आप खुद बताइए। आ गया। बहुत ही बढ़िया, गुड। तो अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। बहुत ही अच्छी बात बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कि अगर कोई दो त्रिभुज या फिर कोई भी दो आकृतियां आपस में सर्वांगसम हैं, तो उनके जो क्षेत्रफल होते हैं वह आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर कोई दो आकृतियों का क्षेत्रफल, समझिएगा ये भी बात समझ लीजिएगा, यह जरूरी नहीं है कि अगर कोई दो आकृतियों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो दोनों आकृतियां सर्वांगसम होंगी। नहीं, मान लेते हैं एक आकृति अगर त्रिभुज है, दूसरी आकृति मान लेते हैं कि चतुर्भुज है, ठीक है, और इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो क्या ये सर्वांगसम नहीं ना होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही अलग अलग आकृतियां हैं। तो इस प्रकार से ये सब चीजों को आपको ध्यान देना चाहिए। तो बताओ बेटा, सवालों को समझने में परेशानी तो नहीं हुई?
सारी चीजें आपको क्लियर हैं? अगर हाँ तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए, और अगर नहीं तो एन टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब किसी भी बच्चे का डाउट है यहां तक तो वो पूछ सकते हैं। आप अपना माइक भी ऑन रख सकते हैं अगर आपसे कोई सवाल पूछना है आपको, बताइए। हाँ, सर होमवर्क बता दो। होमवर्क बताने जा रहा हूं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप लोग। नहीं है? बहुत ही नो बढ़िया, सर। गुड गुड। ठीक है बच्चों, अब हम लोग होमवर्क लिखेंगे, तो लिखिए सारे बच्चे होमवर्क। ये क्लास आपकी यहीं तक थी, सभी को गुड नाइट। होमवर्क नोट करना स्टार्ट करिए।